उधर हरियाणा में लगातार गैंग वॉर बढ़ती जा रही है और आपको बता दें दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग खौफ में हैं और अपराधी कानून के नाक के नीचे तांडव करने में लगे हुए हैं। यह हम नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे अपराध की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। सिरसा और हिसार जिले से आई गैंग वॉर की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ रहा गैंग वॉर, अपराधी हो रहे बेलगाम, हरियाणा में धाए धाए। ये तस्वीर हरियाणा के सिरसा जिले की है, जहां कालावाली में कानून से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े खून की होली खेली। सिरसा का कालावाली उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब बदमाशों के दो गैंग के बीच खुलेआम गोलियां चली और इस गैंगवार में गोली लगने से दो की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, उसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई और दो लोगों का भी इलाज चल रहा है। तो उसमें से एक जो अमनदीप है, उनके बयान पे पर्चा दर्ज हुआ है, जिसमें कि अभी तीन लोगों के नाम आए हैं और बाकी अभी इसमें जांच जारी है। हमारी जो टीम्स हैं CIA की, हमने टोटल पांच टीम बनाई है, जिसमें तीनों CIA हैं जो इसमें कार्य कर रही हैं। साथ ही हमारी जो थाने की एक टीम है वो हो गई और पीछे हमारी जो साइबर टीम है वो, तो वो पांचों लगी हुई है और अलग अलग जगह जो है इसमें रेड भी हो रही है। तो वहीं गैंग वॉर को अंजाम देने के बाद तख्तमल गांव के रहने वाले जग्गा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद खुलेआम सोशल मीडिया पर इस बात को कबूल भी कर रहे हैं। सरकार और कानून की सख्ती के बाद भी अपराधियों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है और वो खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हिसार में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला, जहां हांसी में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने जीतपुर बस अड्डे के पास हिस्ट्री शीटर काला पडाला को मौत के घाट उतार दिया। कंट्रोल से फोन आया था भाई, जीतपुरा गांव बस स्टैंड के ऊपर भाई जो प्रदीप नाम के व्यक्ति के भाई गोली मार के नाम हत्या कर दी। तो हम मौके पर पहुंचे थे, मौके पर पहुँच कर देखा तो प्रदीप को सर में गोली मारी हुई थी, वह मौका पर लुवान पड़ा था और आरोपियों को रोका गया था उसकी गाड़ी को, वो गाड़ी भी वहीं छोड़। खुलेआम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खतरनाक वारदातों को अंजाम देना, खून की होली खेलना या फिर किसी को भी मौत के घाट उतार देना, ऐसा लगता है कि पुलिस की नाक के नीचे इसे अंजाम देना बदमाशों के लिए खेल सा हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं नजर आ रहा और कब तक अपराधी ऐसे ही बेखौफ तांडव करते रहेंगे। जनता TV के लिए सिरसा से जगदीश प्रजापति और हांसी से अनुराग की रिपोर्ट।